केस लगा देगा थाने में, थानेदार थानेदार। चलो इमरान, इमरान क्या करेगा, ये थानेदार हैं सारे के खाड़े बीच डांग खड़के जे पुत्रों तुसे डांगा खड़काइया ना तो याद रखे मेरी गल, जैसे लोग ठीक कीते मैं आया में दो मिनट रुको जी साजा, यार मैंने क्या ये सारे परियार पवे परियार 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 हो रहा है, सूरज परियार कहाँ गया, बारिश सूरज परियार बन गया ना, तो बच्चे कैसे हो ये मुझे बताओ सुबह की, बाकी छोड़ो बाकी तो मसला बाद में डिस्कस करें, ललता परियार हैं और किश्तवाड़ी क्या बात है, ओ तेरे दी मुबारक है ललता जी, अक्षय जी कहाँ हैं, अक्षय जी कहाँ हैं, इधर आओ अक्षय जी, इधर आओ, और पुष्पा जी का, पुष्पा जी कहाँ है, वो इधर आओ, लो जी फोटो फोटो उठाओ, फोटो इधर आओ ना आप, पुष्पा जी ललता जी उठाओ भाई फोटो, ललता जी थोड़ा साइड करेंगे आप, इधर पकड़ो इसका, पकड़ो ना सुनील जी आप इधर आओ ना, ये ललता ये पकड़ो इसको, लो हैरी उठाओ, ओए भैया आप एक मिनट, लो मुबारक है आपको, अच्छा काम करो, जॉइनिंग ऑर्डर हम अपने हाथ से ही देंगे, दूसरे के हाथ से थोड़ी देर देंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे, कुछ ताकते हैं पुष्पा जी, मेरे को सुनो उधर कुछ मैं आया उधर से जब उतरा ना नीचे, कहाँ से सिंथन प्रताप से, सिंथन से तो नीचे पुष्पा जी का वो था सेंटर, कौन सा आंगनवाड़ी का क्या जहाँ वो लगी है, उसमें देखा हो तो उसके ऊपर बड़ा तगड़ा झंडा लगाया हुआ, उसको किसी ने बोला जी पुष्पा जी ये झंडा हाय ये डोनी अफसर का कोई तेज अफसर झंडा टांग, उनका सेंटर चेंज, सेंटर इस कमरे से लेके दूसरे, हाथ लगा कर दिखाओ कुर्सी, पुष्पा इधर पुष्पा बैठी, मैंने उसके सोचा इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी से अक्षत पित्र, देखो रोज गरगर इनका बहन जी का, उठाओ उठाओ, चलो बहुत मुबारक है सबको, खुश रहो सारे, मुबारक सबको, चलो जी तुमने बहुत लड़ाई, तमाम में अपने नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी सिलेक्शन जो है वो सब इंस्पेक्टर्स में हुई है, मैं तमाम अपने नौजवानों को बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से ये सारे काम करेंगे, ये सारे कुछ ये सारे ईमानदारी से काम करेंगे, इनके लिए लड़ाई हम सब ने मिलके लड़ी, युवा मोर्चा ने लड़ाई लड़ी, सब ने इनके लिए लड़ाई लड़ी, हम हर गरीब ज़ईफ और बेसहारा के साथ खड़ेंगे, इंसाफ की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और मुल्क के हर एक शहरी के साथ खड़ी है, इंसाफ और हक की लड़ाई के लिए इंसाफ मिलेगा, ये गरीबों को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्या बात करते, इंसाफ होगा इंसाफ, अभी भी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है या जो फायर एंड एमरजेंसी जो भी है सबको भला होगा, अभी भी सड़कों पर एस्पिरेंट्स के लिए क्या, कोई सड़कों पर नहीं है, सबके मसले हल होंगे, ईमानदारी से हो रहे, हमारा तो हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा, और जो पेपर बेचते थे जेल के पीछे
वो जमाना खत्म हो गया जब कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होते थे तो घरों में बैठ के पेपर देते थे और गरीब के बच्चे को गला काटते थे, गरीब की सुनवाई नहीं थी। फायर इमरजेंसी का भी वही हुआ है ना, वो बच्चों का कब मिलेगा इंसाफ? फायर इमरजेंसी के जो बच्चों के साथ भी इंसाफ होगा, मैं देखता हूं वो रोज जंग लड़ रहे हैं, यकीनन उनकी जीत होगी, जीत होगी उनकी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में। घोटाला हुआ, घोटाला उनके, उसके पास प्रूफ है, सबूत है। वो नेंगरू साहब जो अनंतनाग का उनका लीडर है, उसके पास प्रूफ है। घोटाला नहीं हो सकता, जो घोटाला करेगा जेल जाएगा, घोटाला नहीं बचेगा। चलिए राणा साहब के साथ हमने बात करी कि